एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंका विद हैरी और मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं नहा के आ चुकी हूँ और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। वैसे बारिश बहुत बताई हुई है, आज तो बहुत बारिश बताई है। और आज है विश्वकर्मा, तो हस्बैंड जी धो रहे हैं कार और कपड़े धो के बाथरूम में हैंग करके आ गई हूँ मैं। अभी नींद आला है, आज तो पूरे दिन भर बारिश रहने वाली है। कपड़े पता नहीं कैसे सूखेंगे, तो झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा लगाना है वो कर लेते हैं फटाफट से। विश्वकर्मा है तो आज तो की छुट्टी है, आज कोई लोड नहीं है काम का कि ये करना है वो करना है करके आराम से करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज करेंगे झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट जो है मैं बाद में बनाऊँगी। इस रूम पे मैंने अभी बेडशीट नहीं लगाई है, अभी लगाऊंगी मैं बेडशीट। पुरानी वाली धो दी है और एक दो और है ना, आज मैं सोचूं देखती हूँ अंदर से निकालूंगी चादरें अगर मुझे मिलेंगी। और ये धुले हुए कपड़े हैं जो अभी अंशु लोग नहाएंगे तब पहनेंगे, तो मैंने इनको यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो झाड़ू लगा लेते हैं पहले। तो गाइस, दिया जला लिया है मैंने, अब चलते हैं नीचे। और गाड़ी भी हस्बैंड जी ने धो दी है तो उसकी थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। नीचे दिया लगा दिया है मैंने क्योंकि श्राद्ध है, श्राद्ध में मम्मी ने अंदर दिया जलाने के लिए मना किया है। वैसे श्राद्धों में हमारे में दिया नहीं जलता है, मगर बाहर मम्मी जलाती हैं इसलिए मम्मी ने बाहर जलाने के लिए कहा है। और ये गाड़ी की पूजा करने के लिए मैंने तैयार कर दिया है, चलते हैं नीचे। डर लग रहा है सुनने का क्योंकि मैंने ऊपर पोछा मारा है ना, तो भी गीला है। अंशु की साइकिल भी धुल चुकी है। अंशु, अपनी साइकिल की पूजा खुद करोगे? यहाँ पे टीका लगाओ। हाँ, जैसे टीका आप खुद को लगाते हो। और अभी बना रही हूँ खाना, करेक्ट 12 बजने वाले हैं तो बनाते हैं खाना। तो वो खाने और उसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी पत्ते सब्जी निकाल दी है, पत्ता गोभी है और फिर बाकी मैंने पत्ता गोभी ले लूँगी, थोड़ा सा शिमला मिर्च ले लूँगी, थोड़े से आलू ले लूँगी, प्याज टमाटर और सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो ले लेंगे। तो उनको मिक्स करके बनाएंगे हम वेज बिरयानी टाइप। फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ।
कल शाम को आ गई थी सब्जियां मार्केट से, तो सब्जियां ना मैंने बहुत बाद में वॉश करा, खाना पीना खाने के बाद बर्तन बर्तन धो के फिर बाद में वॉश किया, इसीलिए फिर इन्हें मैंने ना रात को बाहर ही छोड़ दिया था टोकरियों में पानी निकलने के लिए, क्योंकि पानी निकल जाता तो सही रहता वरना फिर फ्रीज में निकलता रहता है, इसीलिए मैंने इनको बाहर ही छोड़ दिया था। और अभी सुबह मैंने उनको लगा भी दिया है और जो भी मुझे सब्ज़ी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर काटना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने लिया है आलू, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी ली है सोयाबीन की बड़ी, सब कुछ निकाल के रख दिया है। मसाले भी मैंने इसमें डाल के रख दिए, जो जो मसाले लगेंगे, जीरा मसाले, और चावल जो है वो भी मैंने भिगो के रख लिया है। तो बिरयानी टाइप पूरा वैसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि बिरयानी की जो बिरयानी में जो चावल है ना उसे पहले कुक कर लिया जाता है और लेयर्स ही बना के फिर बनाया जाता है, तो इतना तामझाम मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं। मैं इसे सिंपल इसी तरीके से बनाऊँगी, खिचड़ी टाइप में, और घर में सबको बहुत पसंद आता है, अंशु और दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मेरा आज विचार था कि मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी, फिर इन लोगों ने कहा कि ये बनाओ, तो मैंने कहा चलो और भी अच्छा है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसमें। तो बड़ी को हम पहले ना फ्राई कर लेंगे, मैंने सबसे पहले तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया और तेज़पत्ता डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था, उसके बाद हम इसे भी फ्राई करेंगे हल्का सा। और फिर इसके बाद प्याज को भी हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करूँगी मगर हल्का सा करूँगी, क्योंकि फिर कच्चा कच्चा सा लगता है ना, अगर सब्जियों के साथ डालूँगी तो नहीं हो पाएगा। तो हल्का सा करने के बाद जो भी मैंने सब्जी काट के रखी है उनको भी हल्का लाल मतलब करके फ्राई कर लूँगी। तो ये इस तरीके का हो गया है, थोड़ा सा और करने के बाद फिर मैं इसमें सब्जियां मिला दूँगी। वैसे इसमें अगर मटर वगैरह होते तो और अच्छा लगता, बट जितनी सब्जी थी मेरे पास उन्हीं का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसको भी थोड़ी देर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर आलू को डालेंगे, उसे भी थोड़ी देर तक करेंगे, चावल हम बाद में डालेंगे, पहले मैं इनको अच्छे से पका लूँगी। तो ये पक के थोड़ा सा कम हो जाता है ना, फिर डालूँगी। इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दिया था, क्योंकि ऑयल मेरा कम था और सोयाबीन की बड़ी जब हम डालते हैं तो पूरा ऑयल को सोख लेता है। फिर मैंने दोबारा से एक दो चम्मच घी डाल दिया था, जिससे खाने में और ज़्यादा टेस्ट भी आएगा और अच्छा भी बनेगा। फिर मैंने डाल दिया है चावल, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मसाले मैंने अभी नहीं डाले हैं, मसाले मैं अभी ऊपर से डालूँगी। मसाले डाल दिए थे और मसालों को हमने थोड़ी देर तक भून लिया था, इसके बाद अब हम डाल देंगे इसे पानी इसे पकाने के लिए, और पानी डालने के बाद हम इसे छोड़ देंगे सीटी के लिए, तो बस थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगा। चढ़ा दी है मैंने खिचड़ी या बिरयानी जो भी कह लो, तो मैंने बना दिया है, सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है। ये बर्तन इतने सारे, इसमें से थोड़ा सा चावल बच गया है, क्योंकि मुझे मैं पहले कोफ्ते बनाने वाली थी, इसी के हिसाब से मैंने चावल भी छुआए थे, इसको बात देख लेंगे। बर्तन कर लेंगे, ये है सब्जियां। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और बोतलें सारी बाहर इसलिए निकाल के रखी है क्योंकि मैंने पानी नहीं भरा है, और वैसे भी अब फ्रीज का पानी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, ठंडा गर्म हो रहा है ना, तो इससे बीमार रहने का भी डर रहता है। तो मैं ताज़ा पानी अभी भरूँगी इन बोतलों में और फिर जो है ये काम भी कम्प्लीट हो जाएगा। मोटर चला के आती हूँ, मोटर से फिर पानी भरेंगे।
पानी वानी भर लिया है और खाना खाने की हमारी तैयारी चल रही है अभी, और ये भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो प्लेट में लगाना भी स्टार्ट कर दिया है मैंने तीनों की प्लेट, तो दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है और हो भी टेस्टी जाता है खैर खाने में। तो तीनों की प्लेट मैंने लगा दी है और इसके ऊपर से हम डालेंगे घी। तो घी मैंने पहले भी डाला था इसलिए मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बाहर लगा लेते हैं। सो गाइस, प्लेट बाहर लगाना स्टार्ट कर दिया, हम खाना वाना खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ बाद में पूरा फिनिश करके काम वाम यहाँ का। खाना पीने का काम सब कुछ कंप्लीट हो गया है, किचन में क्लीन करके आ गई हूँ और अब मुझे लगानी है यहाँ पे बेडशीट। तो मैं यहाँ पे बेडशीट लगा लेती हूँ। अंशु भी थोड़ी देर टीवी देख रहा है क्योंकि फिर उसका ना वहाँ ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा। और बेडशीट के जो कोने होते हैं ना, मैं उसे कंघी से डालती हूँ क्योंकि उंगली से डालने पे ना दर्द हो जाता है, चोट भी लग जाती है। सारे कोने जो है कंघी से अच्छे से अंदर तक चले भी जाते हैं, चादरें खिसकती भी नहीं है और अच्छे से हो जाता है। तो चादरें वादरें लगा लेती हूँ मैं। डेढ़ बज गए हैं, फिर आज अंशु ट्यूशन भी जल्दी चला जाएगा तो फिर मुझे उसे छोड़ने भी जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ना अधूरा अधूरा सा हो जाता है, मतलब सोने का टाइम भी होता है, सो भी नहीं सकती मैं उसको लेके जाऊंगी। फिर कभी कभार मैं वहीं रुक जाती हूँ, उसको लेके आती हूँ क्योंकि फिर उसे लाने मतलब लाना पड़ता है। कभी कभी वहाँ के बच्चे भी छोड़ देते हैं उसको और कभी कभी मैं लेके भी आ जाती हूँ, तो यही है। तो मैंने कहा चलो अब चादर बिछा देती हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है दो दिन से, यहाँ मतलब रहते नहीं है हम, सोते नहीं है इसलिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर ऐसे ही बैठते हैं, फिर अंशु को छोड़ के आऊँगी। बारिश हो रही है, अभी भी बारिश चल रही है बाहर, और भी धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। गर्मी तो बाय बाय हो गई, मतलब फ़ैन नहीं चला रखा है अभी, मगर गर्मी नहीं हो रही है तो गर्मी धीरे धीरे चली गई है। थोड़ी देर ऐसे ही आराम आराम करती हूँ। ये चादर मुझे बहुत पसंद है, इसमें गुलाब से बने हुए हैं ना, है ना, प्यारी लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो मैं उसे साथ में लेके भी आ जाऊँगी। और बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे आने के बाद। सो गाइस, ट्यूशन से आ गए हम दोनों, तो अभी वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कुछ नहीं, बाय।